नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना की नई लहर के बावजूद इस वित्त वर्ष यानी 2021-22 में जीडीपी में 10.5% की बढ़त का अनुमान जारी किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को मौद्रिक नीति समिति की बैठक के नतीजों का ऐलान किया। इस बैठक में रिजर्व बैंक के नीतिगत दरों की समीक्षा की गई। वहीं IMF ने भारत के विकास दर का अनुमान RBI से भी कहीं ज़्यादा लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान व्यक्त किया है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर 12.5% रह सकती है। इस तरह IMF ने RBI से 2% ज़्यादा विकास की संभावना जताई है। वहीं IMF ने जनवरी के अपने अनुमान में संशोधन किया है। जनवरी 2021 में IMF ने अपने अनुमान में कहा था कि 2021-22 में भारत की इकोनॉमी 11.5% की दर से आगे बढ़ेगी। IMF के अनुमान के मुताबिक 2021-22 में भारत की GDP वृद्धि दर चीन से भी ज़्यादा रह सकती है। हालांकि 2022-23 में GDP ग्रोथ फिर कम होने की संभावना जताई गई है। IMF ने कहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की इकोनॉमी 6.9% की दर से वृद्धि कर सकती है। IMF में चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने कहा कि हम पूर्व के अनुमान की तुलना में 2021 और 22 के वैश्विक अर्थव्यवस्था में मजबूत रिकवरी का अनुमान लगा रहे हैं। हम 2021 में 6% और 2022 में 4.4% की वैश्विक वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। गोपीनाथ ने साथ ही वायरस के बढ़ते मामलों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि महामारी अब तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। कई देशों में कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार वृद्धि हो रही है। IMF ने भारत के विकास दर में वृद्धि का ये अनुमान तब लगाया है जब देश में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर से पीक पर है। पिछले 2 दिनों में देश में कोरोना के 1 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। ऐसे में देश के कई शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है तो कई शहरों में कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।